नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फोटो आप बताए जाने पर भड़क गए राहुल गांधी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी वल्लभगढ़ हरियाणा के सुनपेड़ गांव में पीड़ित दलित परिवार से उनकी मुलाकात को फोटो आप बताए जाने से भड़क उठे और उन्होंने इसे गरीब लोगों का अपमान बताया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे गांधी उस समय आग बबूला उठे जब उन्हें बताया गया कि भाजपा उनकी इस मुलाकात को फोटो आप करार दे रही है। गांधी ने गुस्से में कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो आप। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके रवैये के कारण ऐसा हो रहा है। उनका रवैया है कि गरीबों को दबाओ और कुछ लो। अमिताभ बच्चन नहीं लेंगे यश भारती पेंशन। फिल्म अभिनेता और यश भारती से सम्मानित अमिताभ बच्चन ने पेंशन लेने से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरतमंदों को देने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ही यश भारती से सम्मानित लोगों को प्रतिमाह 50,000 रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया है। अमिताभ का कहना है कि कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। गौरतलब है कि बच्चन के साथ उनकी सांसद पत्नी जया बच्चन और पुत्र अभिषेक बच्चन भी यश भारती से सम्मानित हो चुके हैं। थाईलैंड में भारतीय सीईओ मृत मिला। थाईलैंड में एक भाषा विज्ञान स्कूल के भारतीय मूल के सीईओ मंगलवार को संस्थान के परिसर में स्कार्फ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 37 वर्षीय राजेश सिंह के तौर पर हुई है, जो स्मिथ इंग्लिश स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के सीईओ के पद पर कार्यरत था और उसने कथित तौर पर आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। सिंह का शव उत्तरी बैंकॉक के पाथुम थानी जिले में स्कूल परिसर में ही बने घर की दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों की रेलिंग से लटका हुआ मिला। कमरे से अंग्रेजी में दो पन्नों का हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी मिला। इसराइली कार्रवाई में 5 फिलिस्तीनी मरे। इसराइली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मंगलवार को 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 2 अल्वयस्क भी शामिल हैं। उधर इसराइल तथा फिलिस्तीन के लोगों की हिंसा में घायल एक इसराइली की मौत हो गई। इस महीने के प्रारंभ से शुरू हिंसा में अब तक 50 फिलिस्तीनी तथा 9 इसराइली मारे जा चुके हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।